आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में के अल्फा का वेवलेंथ दिया हुआ है और 0.32 एंगस्ट्रॉम। के बीटा का वेवलेंथ पूछ रहा है कि कितना होगा। तो पहले गिवन में लिखते हैं इसमें क्या होता है। के अल्फा में N1 कितना होता है? 1। और N2 कितना होता है? 2। और जो के बीटा होता है, के बीटा में N1 कितना होता है? 1। और N2 कितना होता है? 3। तो इसका इक्वेशन लिख देते हैं के अल्फा में लेमडा कैसे निकालते हैं। तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय N1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 का होल स्क्वायर। अब अल्फा वाला पूछ रहा है तो 1 बाय लेमडा ऑफ अल्फा, के अल्फा। तो ये आ गया आर जेड स्क्वायर, N1 कितना है? 1, और N2 कितना है? 2। तो 1 बाय 2 का होल स्क्वायर आ गया 1 बाय 4। ये देखो कैलकुलेट किए तो 1 माइनस 1 बाय 4 आ गया 3 बाय 4 जेड, 3 बाय 4 आर जेड स्क्वायर। ये कितना आ गया? 1 बाय अल्फा, 1 बाय लेमडा ऑफ के अल्फा। ठीक है, 1 बाय लेमडा ऑफ के अल्फा आ गया ये। ठीक है, के अल्फा थोड़ा नीचे लिख देते हैं, के अल्फा। अब इसमें के बीटा का भी सेम इक्वेशन लिखते हैं ऐसा ही। ठीक है, बस N1 N2 बदल जाएगा। तो के बीटा में क्या आ जाएगा? 1 बाय लेमडा ऑफ के बीटा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अब देखो N1 में कितना आएगा? 1। तो 1 बाय 1 का होल स्क्वायर माइनस N2 में कितना आएगा के बीटा में? 3। तो 1 बाय 3 का होल स्क्वायर। तो ये देखो आर जेड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 में से 1 बाय 9 घटाएंगे, 1 में से 1 बाय 9। तो ये आ गया 9 माइनस 1 बाय 9, 8 बाय 9। तो ये आ गया 8 बाय 9, 1 बाय लेमडा ऑफ के बीटा। 1 बाय लेमडा ऑफ के अल्फा का वैल्यू कितना है कि क्वेश्चन में? 0.32 एंगस्ट्रॉम। तो 0.32। अब देखो लेमडा बीटा निकालना है तो 1 बाय, देखो लेमडा के अल्फा को डिवाइड कर देते हैं किससे? लेमडा ऑफ के बीटा। ठीक है, तो डिवाइड किए तो ये आ गया कितना? 0. इसको ऊपर रखें अपन तो 0.32 अपॉन 8 बाय 9 आर जेड स्क्वायर। ठीक है, वेट, जैसे पहले तो अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया लेमडा ऑफ के अल्फा लेमडा ऑफ के बीटा बराबर कितना आएगा? ये के अल्फा आ जाएगा 3/4 आर जेड स्क्वायर, और के बीटा कितना आ जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, 8/9 आर जेड स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में रहेगा। तो ये आर जेड स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, कट गया। ठीक है, तो ये आ गया कितना? ऊपर 27, नीचे 32। और के अल्फा का वैल्यू कितना है? के अल्फा का वैल्यू है 0.32। तो लेमडा कितना आ गया? लेमडा ऑफ के बीटा ये आ गया 27/32, और के अल्फा उधर चला गया और के अल्फा की जगह पे वैल्यू रख दिए 0.32। तो ये 100 से 100 कट गया, ये कट गया। तो ये 27/100 मीन्स 0.72 एंगस्ट्रॉम ये आ गया। क्यों एंगस्ट्रॉम क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू भी जो है एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पे देखो 0.32 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, थैंक यू। क्लासिक्स से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।